भगवान भोलेनाथ के गणों और गणपति के बीच जो वाक युद्ध हो रहा था, अब वह उग्र होने की दशा में था। संसार के सर्वोच्च शक्ति की प्रतीक शक्तिमयी माँ के शक्तिशाली पुत्र ने कहा, मैं तो माता पार्वती का सेवक और द्वारपालक हूँ। मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। तुम तो अपने मालिक शिव की आज्ञा का पालन करके यहाँ आए हो और मैं अपनी माता पार्वती की आज्ञा मानकर यहाँ खड़ा हूँ। तुम्हारा निरंतर आग्रह व्यर्थ है, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा और मैं तो माँ पार्वती की आज्ञा ही मानूंगा। महान शिव जी के गणों ने अपने आराध्य शंकर से जाकर कहा, वह बालक अपने आप को माता पार्वती का पुत्र बताता है स्वामी, और द्वार से तनिक भी हटने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि युद्ध करने को भी तैयार है। कर्पूर, चंदन और गोरोचन जैसे सुगंधित पदार्थों का तिलक लगाने वाले महेश्वर शिव ने गुस्से से भर कर कहा, चाहे जो भी हो करो, उस बालक को द्वार पर से हटाओ। वह अकेला बालक तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? यदि युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध करो। नंदी, श्रृंगी आदि सभी गण इकट्ठे होकर पार्वती नंदन गणेश के पास पहुँचे और उन्हें युद्ध के लिए ललकार दी। शिवगणों को अपने पास आते देखकर वीर निडर व साहसी गणराज पार्वती पुत्र ने उनसे कहा कि मैं अकेला बालक ही तुम सबका सामना व मुकाबला करूंगा। मैं महाशक्ति का पुत्र, महान शक्तिधारी, तुम सबके लिए अकेला ही काफी हूँ। वह बलशाली बालक कहने लगा, आज माता पार्वती और तीनों लोकों के प्रभु शिव जी अपने गणों की शक्ति व बल देख लें। गणेश जी कहने लगे, आज सब इस बात को जान लेंगे कि पार्वती के पुत्र और तीनों लोकों के प्रभु शिव जी के गणों में कितना बल और शक्ति है। गौरा और शिव जी के नाम पर बलवान गणों का एक बालक के साथ युद्ध होगा। आप सब तो बलवान योद्धा हैं और आपने तो पहले भी कई युद्ध किए होंगे, परंतु मेरा तो यह पहला युद्ध है। मैं अकेला बालक हूँ, फिर भी मैं युद्ध करने को तत्पर हूँ। मैं आपके साथ अकेले ही युद्ध करूँगा। पर्वतराज की पुत्री माँ पार्वती और उनके पति शिव जी के इस विवाद और बहस में जब तुम्हारी हार होगी तो तुम्हें जरूर लज्जित होना पड़ेगा, और साथ ही इस अपमान का सामना माता शिवानी और महादेव को भी करना पड़ेगा। मैं हर प्रकार से तुम्हारे साथ युद्ध करने को तैयार हूँ। शिवजी महाराज के गण बालक गणेश की इतनी तीखी बातें सुनकर गुस्से से भर गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया, पर गणेश जी ने उन गणों के प्रहारों को निष्फल कर दिया। सारे गण एक तरफ और बालक गणेश अकेला एक तरफ। गण तो एकदम घबरा गए। भगवान आशुतोष के गणों को गणेश भयंकर काल जैसे दिखाई दे रहे थे। शिव गणों को ऐसा लगा कि जैसे हमारा नाश शीघ्र होने वाला है। माता शक्ति रूपा पार्वती के अति शक्तिशाली पुत्र गणेश के प्रहारों से शिवगण इधर उधर भागने लगे और गणेश जी अपनी जननी पार्वती का स्मरण करते करते युद्ध करते रहे।